नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। भाइयों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, दोस्तों एक जैसे ही हैं, और कॉलेज में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वान, स्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक, दोनों का नज़ारा सेम है। और यहाँ पर मांग है नियमितीकरण की और मुख्यमंत्री जी को दिया है ज्ञापन। महाविद्यालय इन अतिथि विद्वानों के हित में जल्द निर्णय लेगी सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश। भोपाल समाचार, रीवा, भोपाल। जैसे जैसे चुनावी दंगल शुरू हो रहा है, वैसे ही रिक्त पदों के विरुद्ध बरसों से सेवा देने वाले महाविद्यालय अतिथि विद्वान की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। इसी तारतम्य में एक दिवसीय रीवा दौरे पर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से महाविद्यालय अतिथि विद्वानों का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात किया। अतिथि विद्वानों ने शिवराज सिंह चौहान को अपना वादा याद दिलाया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि आपकी मांगों पर सरकार गंभीर है और आपके हित में जल्द ही निर्णय लेगी। जैसे कि विदित है कि विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई भाजपा नेता अतिथि विद्वानों के चर्चित आंदोलन में शिरकत कर नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित करने का वादा कर चुके थे, लेकिन यही अतिथि विद्वानों ने कहा योग्यता और अनुभव दोनों है, नियमित क्यों नहीं। प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र, डॉक्टर सचिदानंद मिश्रा, डॉक्टर रविशंकर द्विवेदी, डॉक्टर संतोष तिवारी शामिल रहे। ये अतिथि विद्वान हैं। अतिथि शिक्षक रो रहे हैं दोस्तों अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर। 30 अप्रैल को बेरोजगार हो जाएंगे और 30 अप्रैल को रहेगा उनका बेरोजगार दिवस। मैं अतिथि शिक्षकों की आवाज़ उठाता आया हूँ दोस्तों, लेकिन सरकार को बिगर सोचे समझे अतिथि शिक्षक को नियमित कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक 14 वर्षों से अल्प मानदेय पर काम कर रहा है। कई अतिथि शिक्षक अपनी जान भी खो बैठे हैं इस लड़ाई में दोस्तों। सेवा देते देते अब सेवा की नहीं रहेगा तो क्या होगा बच्चों को। स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर दोस्तों वर्ग 1 8-9 हज़ार, वर्ग 2 6-7 हज़ार, वर्ग 3 4-5 हज़ार, इस तरह का मानदेय टूटा फूटा मिलता है दोस्तों। लेकिन इस वर्ष सरकार को जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों को भी नियमित कर देना चाहिए। वहाँ की मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वहाँ सभी को जय श्री राम।